डियर स्टूडेंट आई होप यू आर ऑल वेल स्टूडेंट इन लास्ट क्लास वी स्टार्ट विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मनी टूड टॉपिक सो ओपन अपर बुक एट पेज नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी ओकेर वी हैव क्वेश्चन नंबर टू ट्वेंटी थ्री डॉट फोर्टी इंटू टू मींस ट्वेंटी थ्री रुपीज फोर्टी पैसे को मल्टीप्लाई करना है टू से तो लेट मी डू हेयर ट्वेंटी थ्री फोर्टी टू फोर्टी टू पैसे ओके सॉरी फोर्टी रुपीज है फोर्टी रुपीज आपने मल्टीप्लाई करना है इसको टू रुपीज ओके नौ टू को जब आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे वही सेम है आपका ज़ीरो ही आएगा एनी नंबर डिवाइडेड सॉरी मल्टीप्लाई बाई जीरो इज ज़ीरो टू फोर ज़ा एट टू थ्री ज़ा सिक्स टू टू ज़ा फोर तो फोर्टी सिक्स आपने कहाँ लगा देना है टू डिजिट टू डिजिट के बाद है ना डॉट तो टू डिजिट के बाद आपने डॉट लगा देना है पॉइंट लगा देना है तो so आपका आएगा फोर्टी सिक्स रुपीज़ एटी पैसे सेम वही मल्टीप्लीकेशन है बस आपने डॉट का ध्यान रखना है ठीक है पहले जो हमने की थी आप देखें फिफ्टीन रुपीज़ ट्वेंटी फाइव पैसा इसको कैसे करेंगे ठीक है लेट मी डू डू हेयर फिफ्टीन रुपीज़ ट्वेंटी फाइव पैसा इंटू कितने के साथ मल्टीप्लाई करना है इंटू फोर रुपीज़ ठीक है फोर के साथ मल्टीप्लाई करना है मैं मेंशन नहीं है चलें फोर फाइव ज ट्वेंटी जीरो टू आपका कैरी में जाएगा ठीक है फोर टू ज़ा एट और टू टेन अगेन जीरो वन आपका नेक्स्ट कैरी में जाएगा आपने तब तक मल्टीप्लीकेशन वही मैथड यूज़ करना है एंड पे आपने डॉट लगाना है ठीक है पहले से डॉट लगा के आपने इसको यहाँ नहीं रोक देना कि आप यहाँ टेन पूरा लिखोगे नहीं आपने मल्टीप्लीकेशन में वही मैथड यूज़ करना है आपने कुछ टाइम के लिए कंसीडर करना है यहाँ डॉट नहीं है पहले मल्टीप्लीकेशन अपनी कंप्लीट करनी है फिर डॉट पुट करना है फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी और वन ट्वेंटी वन वन टू कैरी में फोर वन जो फोर और टू कितना होता है सिक्स तो आपका कहाँ डॉट आ जाएगा टू डिजिट के बाद है यहाँ पे टू क्या है ज़ीरो है तो इसके बाद यहाँ सिक्सटी वन पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो ठीक है तो ये आपका सिक्सटी वन ठीक है इसी तरह आप नेक्स्ट जो है वो करेंगे लेट मी शो हेयर नेक्स्ट है आपका जीरो पॉइंट फोर्टी फाइव मतलब फोर्टी फाइव पैसे हैं इंटू सिक्स तो हम यहाँ कर लेते हैं ज़ीरो पॉइंट फोर्टी सिक्स ज़ीरो सॉरी ज़ीरो पॉइंट फोर्टी सिक्स इंटू किस मल्टीप्लाई किसके साथ करना था जीरो पॉइंट फोर्टी फाइव था इंटू सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना था ठीक है सॉरी ये फाइव इंटू सिक्स सिक्स फाइव जा थर्टी थर्टी का क्या आता है ज़ीरो आता है थ्री आपका कहाँ जाता है कैरी में जाता है सिक्स फोर ज़रा ट्वेंटी फोर ठीक है टेबल अच्छे से रिवाइज़ कर लो सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर में थ्री और ऐड करो ट्वेंटी सेवन तो आप सेवन यहाँ जाएगा टू आपका कैरी में जाएगा तो फोर सिक्स इंटू जीरो जीरो होता है ठीक है कोई भी नंबर अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा वो ज़ीरो होगा लेकिन जब वो एड होगा जीरो में टू ऐड करोगे तो, तो आपका आंसर क्या आएगा टू आएगा ठीक है ट्वेंटी सेवन अब यहाँ देखो ट्वेंटी सेवन यहाँ आपने नहीं अब आप देखो कितने नंबर्स के बाद लॉट है टू नंबर्स के बाद तो यहाँ से आपने काउंट करने हैं वन टू तो यहाँ आपका डॉट आ जाएगा जितने नंबर हैं उसके बाद आपने डॉट पुट कर देना है मल्टीप्लीकेशन पहले आपने डॉट को कंसिडर नहीं करना है मल्टीप्लीकेशन अपनी कंप्लीट करनी है उसके बाद आपने डॉट पुट करना है तो इसी तरह रेस्ट जितनी भी मल्टीप्लीकेशन है वो आप लोग करेंगे ठीक है अब क्वेश्चन नंबर थ्री का जो पार्ट है पार्ट जो ये वाले पार्ट हैं ऊपर वाले ए बी सी ये तो सिंपल है मैं आप आपको बताती हूँ एफ पार्ट एटी थ्री पॉइंट फिफ्टी मतलब एटी थ्री रुपीज़ फिफ्टी पैसा और इंटू सेवन ठीक है एटी थ्री पॉइंट फिफ्टी इंटू सेवन ठीक है सेवन को जीरो से मल्टीप्लाई करो अगेन जीरो आएगा सेवन फाइव ज़ा थर्टी फाइव फाइव थ्री आपका कैरी में जाएगा ठीक है सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन और थ्री ट्वेंटी फोर होता है फोर टू आपका कैरी में जाएगा ठीक है और सेवन एट ज़ा फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स और टू कितना होता है फिफ्टी एट ठीक है आपने फिफ्टी एट यहाँ लिख लेना है कितने नंबर के बाद डॉट है टू के इस वन और टू ठीक है सेम वही मल्टीप्लीकेशन है आपका आएगा आंसर फाइव एट्टी फोर पॉइंट फिफ्टी मतलब फ़ाइव हंड्रेड एट्टी फोर पॉइंट के बाद फिफ्टी नहीं पढ़ेंगे फाइव जीरो पढ़ेंगे मतलब फिफ्टी पैसा है आपका और फाइव हंड्रेड एट्टी फोर रुपीज़ हैं आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा चलें नेक्स्ट पेज पे चलें पेज नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी वन ठीक है अब इस पेज पे हमें क्या सीखना है डिवीज़न ऑफ़ मनी क्या सीखना है डिवीज़न ऑफ मनी जो हमने डिवीज़न सीखी हुई है वही है कुछ भी नया नहीं है तो आप लोग करेंगे जैसे फोर्टी फाइव आपका यहाँ पे क्या बनेगा फोर्टी फाइव पैसा डिवाइडेड बाय नाइन तो फोर्टी फाइव आपका अगेन वही डिविडेंड रहेगा जो स्टार्टिंग में होता है वो आपका डिविडेंड होता है और ये आपका डिवाइजर नाइन से आपने डिवाइड कर लेना है तो नाइन के टेबल में फोर तो नहीं आता अगर फर्स्ट डिजिट ले लें तो हमने क्या करना है पूरे दोनों के दोनों डिजिट लेने हैं तो नाइन के टेबल में फोर्टी फाइव कब आता है नाइन फाइव सा फोर्टी फाइव होता है ठीक है सिंपल वही डिवीज़न है तो आपका क्या आंसर आएगा फ़ाइव जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपका आंसर होता है इसी तरह जितने भी पार्ट हैं इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर वन के वो आप लोग करेंगे ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम जो रेस्ट डिवीजन है वो करेंगे ठीक है आई होप कि आपको ये समझ आया होगा दैट इज़ इनफ फॉर टुडे थैंक यू अल्लाह